बंद कर दो, लाइव बंद कर दो। तो ये टीवी लगा लो, इधर टीवी लगाओ, सुनो आओ बेटा। अच्छा वो डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्या? ठीक आ जाओ। वो बंद हो गया क्या? सुनो सर बंद कर दे बेटा। आराम से आराम से। जोड़ो इसको कंप्लीट। ओके हाँ हेलो हेलो। हाँ भाई आवाज़ आ रही है? अब लाइव स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा मप्पा अब यूट्यूब पे से डालो भैया, आ जाओ। हाँ भाई सब सुख शांति है? जल्दी से बेटा हो गया। चलो तेरा मोबाइल दे, तेरा पेमेंट, ये तो भारतीय मोबाइल अपना। आवाज़ आ रही है भाई? कृष्णकांत वर्मा जी आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ गई? क्योंकि पहले तो अपन लाइव मोबाइल से कर रहे थे, अब मेरा पूरा सेटअप सेट हो गया। हाँ भाई जगदीश बेटा ला मोबाइल दे तेरा। कॉन्टैक्ट फॉर नीट 2020 काउंसलिंग स्टूडेंट पॉइंट, बिल्कुल स्टूडेंट पॉइंट हमारे अशोक कुमावत और ये लड़के बिल्कुल बहुत अच्छा सा वर्क करते हैं, सब लोग जुड़ जाएँ फटाफट पे। जो परिवार के लोग जुड़े हैं वो शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल सेटअप खड़ा हो गया, आपको दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, कर देंगे देखो फटफट कर देंगे। पाँच शेयर हैं अभी तक, शेयरिंग पाँच ही है भैया, फटाफट दोबारा शेयरिंग करें भाई, दोबारा शेयरिंग करनी होगी, पहले वाली शेयरिंग खत्म नहीं काम आएगी। चलो आ जाओ सब लोग, आ जाओ भैया सब लोग। अरे 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 वेरी गुड वेरी गुड, चाय पिला मेरे को, आज चाय पीते पीते बात करेंगे, अब सही बात करेंगे, आ जाओ यार। मैं बड़े अच्छे मूड से आया था, मैंने कहा यार आज क्या टेक्निकल दिक्कत होगी। 220 लोग जुड़ गए परिवार के, टेक्निकल हमारा सेटअप शुरू हो गया है, सब लोग शेयर करें। पहले आपने शेयर किया था वो लाइव बंद हो गया, पहले वाला वो तो हट गया, वो लाइव है ही नहीं शायद, डिलीट मार देंगे उसको, तो वो लाइव नहीं है। 266 तो परिवार बड़ा परिवार है, तो लाइव शेयर करें सब फटाफट, ताकि अपनी सीएलसी खुशबू पहुंचे लोगों तक। बिल्कुल 41 शेयरिंग है ना, शेयरिंग कम है, तुरंत प्रभाव शेयरिंग करें। आज हम 3000 की रैंक तक के बच्चों पे दोस्तों एनालिसिस करेंगे। कांग्रेस रामदेव से समझ, राम राम साहब। हाँ परफेक्ट है ना, ऐसे परफेक्ट होता है, देखो ऐसे ही है। जैसे सीएलसी 607 पे क्या होगा सब बताएंगे, अभी किस पे क्या होगा। यस वो संजय सुमित चौधरी, जय सी एल सी बोस, जय सी एल सी, जय सी एल सी, जय सी एल सी। बिल्कुल भाई ने बात माहौल बना, देखो 298 और ये 300 लोग हो गए होंगे मेरे हिसाब से, आराम से 300 लोग जुड़ गए परिवार के। देखो 303 लोग जुड़, शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे बदमाशी नहीं यार, देखो ऐसे बदमाशी नहीं। चलो शेयरिंग करो फटाफट सब लोग, सब लोग जल्दी शेयरिंग कर दें, ताकि अपनी सी एल सी खुशबू सब लोग तो पहुंच जाए। जय सी एल सी बोस, कॉन्ग्रेचुलेशन बोस। अच्छा सरदार सिंह मावलिया, अरे सरदार सिंह क्या हाल है भाई? सरदार सिंह मावलिया हमारा स्टूडेंट है भाई, अच्छा स्टूडेंट है हमारा, एक आपके बहनोई आपके जीजाजी हमारे डॉक्टर दौलत चौधरी, जो एक प्रेम हॉस्पिटल के नाम पे आपके कारवार रोड पे एक अच्छा हॉस्पिटल लाते हैं आप लोग। अब ठीक है सर, हाँ कृष्ण कह रहा अब ठीक है, कर दिया शेयर, कर दिया रजत कड़वा, कर दिया भैया, सब कर दें भाई, शेयर कर दें फटाफट, सब लोग शेयर कर दें, सब लोग शेयरिंग कर दें भैया। शेयरिंग अभी 69 ही हुई है, गलत बात है। यूट्यूब स्टार्ट कर दी, नहीं हो पाएगी आज, कोई बात नहीं, यूट्यूब नहीं स्टार्ट हो पाएगी आज, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज हम एक एक बच्चे के बारे में बात करेंगे, 3000 की रैंक तक सीएलसी के सारे स्टार्स के बारे में बात की जाएगी। बात शुरू करता हूं भैया। दोस्तों हो सकता है कि आज का लाइव आपको डेटाबेस से कुछ को बोर लगे, लेकिन मूल चीज है कौन बच्चा है, कहां से आया, क्या है बच्चा, उस पर डिपेंड करता है डियर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, नो डाउट। एक तो मैं स्वीकारता हूं लाइव पे कि इस बार मेरी कट ऑफ बिल्कुल गलत होगी भाई, मुझे स्वीकारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा ने कभी 605 से ऊपर बोलने की हिम्मत ही नहीं की। मैं इसको भी नहीं कहता कि मेरे दिमाग पहले था ना, मैं गोल गोल बात नहीं, बिल्कुल साहब मैं इसमें 15-20 नंबर फेल हुआ, लेकिन मेरे ये भी था इतने नंबर ज्यादा बोल देंगे, ये दिमाग में था कि 5-7%। मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूं, अभी 600 बोल दे तो बच्चा बिना मतलब डिप्रेशन में आ जाएगा। अब सुनो जी, जिस लड़के बेटे बेटी के जनरल ओबीसी में राजस्थान में 605 प्लस नंबर है ना, 610 नंबर मान लो, वो बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा। एससी में 510 नंबर और एसटी में 495 या 500 नंबर के बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन यहां मैं फिर एक बात करना चाहूंगा, राजस्थान के बच्चों को दोस्तों इस बार कॉलेज थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा, राजस्थान का बच्चा, ये बात फिर से कह रहा हूं मैं, आज पूरे दिन का मेरा एनालिसिस है, राजस्थान का बच्चा थोड़ा सा इस बार अदर साउथ के स्टेट्स की बजाय थोड़ा सा अंदर 13,000 में कम हुआ है,
ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान में कारण है, राजस्थान में 60-70 बच्चा आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का सेक्ट था मेडिकल में, वो बच्चा कोरोना बहुत डिस्टर्ब हो गया था, वो चाहे कोटा का बच्चा हो जो सीकर का बच्चा, वो बच्चे घर निकल गए थे, क्योंकि 23 मार्च को बच्चे घर गए थे ना, तो बहुत से बच्चे बुक्स लेके गए ही नहीं थे, तो 1.5 से 2 महीने तो हमारा बच्चा बिना बुक्स के रहा था। उसके बाद जब नीट सेकेंड बार पोस्टपोन्ड हुआ तब वो बच्चे 20 दिन फिर डिस्टर्ब हुए थे, ठीक है ना, 400-450 लोग जुड़ गए परिवार के। तो मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि भाई रैंक पे मत जाओ दोस्तों, रैंक सुन लो, चलो रैंक ये कि 15,000 की ओबीसी जनरल की रैंक तक कॉलेज की संभावना है, 80,000 के आसपास एससी की रैंक की संभावना है, और 1,00,000 के आसपास एसटी की रैंक की संभावना है। ओवरऑल रैंक बोल रहा हूं मैं, 15,000 जनरल ओबीसी, 75-80,000 एससी और 1,00,000 के आसपास एसटी के बच्चों के कॉलेज मिलने की पूर्ण संभावना है। दूसरी एक चीज आप और देख लें, आज हम लोग पहले 3,000 में सीएलसी के कितने बच्चे हैं क्या उन पर बात करेंगे, उनकी पूरी चर्चा कुंडली आपको बताएंगे। कल 18 को मैं लाइव नहीं आऊंगा, कल मेरे बेटे की सगाई का प्रोग्राम है, मेरे घर में बड़ी खुशी है, या स्पीडी की हमारी पहली खुशी की है, साहिल सर की कल अंगेजमेंट है, तो कल हम लोग लाइव नहीं आएंगे। 19 को फिर मैं रिजल्ट में अगले रिजल्ट पे लाइव करूंगा, और 20 तारीख को दोपहर, सब नोट कर ले, 20 तारीख को दोपहर 12 बजे रिजल्ट की विस्तृत बात की जाएगी, काउंसलिंग की बात की, वो 2 से 2.5-3 घंटे लाइव चलेगा, काउंसलिंग की बात की जाएगी, रिजल्ट की बात की जाएगी, और मार्जिन केस और रिपीटर्स बच्चों के बारे में बात की जाएगी। और 22 अक्टूबर को आप जानते हो, फ्रेशर हो या रिपीटर हो, सबके लिए आपके अपने सील से नया बैच स्टार्ट करने जा रही है, ठीक है डियर। अब एक एक बच्चे के बारे में बात करने जा रहा हूं, एक लड़के ने कहा केवीएम में 12th केमिस्ट्री के टीचर तो बदल जाता भाई, टीचर तो जो पढ़ा रहा अच्छा पढ़ा रहा बेटा, माफी चाहता हूं, टीचर कोई खराब नहीं होता है, बच्चे टीचर में तलाश नहीं करें, टीचर कोई खराब नहीं है भाई, शिक्षक जो है वो अच्छा है तभी अपॉइंट करते भाई हम उसको, इन टीचर ये टीचर वो टीचर के चक्कर में तो ये हर साल सीकर में कई स्कूलें खुल जाती हैं, कई कोचिंग खुल जाती हैं, फिर बंद होती हैं, खुलती रहती हैं, बंद होती हैं, खुलती रहती हैं। देखो भाई माफी चाहता हूं, सीएलसी के बारे में एक ही बात करना चाहता हूं, चर्चा को कुछ भी करे, बातें कुछ भी करे, रिजल्ट जेई मेन का आया टॉप आपकी सीएलसी ने किया, एडवांस का रिजल्ट आया 2000 में अपना 6 बच्चा था जो सीकर में हाईएस्ट है, नीट का रिजल्ट आया 2019 में दोनों टॉपर जगदीश और आर्यन सीएलसी के थे, आज फिर दोनों टॉपर मोहित और ज्योति सीएलसी के हैं। कहना कुछ भी कहने से, आज दोस्तों पहले 3000 में कितना बच्चा फ्रेशर है, कितना बच्चा 12वीं के साथ है, एक एक आंकड़ा आपको दिखाया जाएगा, अभी कितना बच्चा इनमें हॉस्टल का है, जिनको हॉस्टल में रख के दोस्तों तैयार किया आपकी सीएलसी ने। थोड़ा सा मैं एक बार नेचुरल मूड में आ रहा हूं कि मेरा टेक्निकल एक बार लाइव डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अपसेट सा हूं, अपसेट हो रहा हूं मैं थोड़ा, मेरी बात आप आंकड़ों पे सुने ध्यान से, आंकड़ों पे ध्यान से सुने बातों को, मैं मेरी बात को समराइज कर रहा हूं। नीट 2019 के दोनों सीकर के टॉपर सीएलसी के, नीट 2020 के दोनों टॉपर सीकर सीएलसी के, जेई मेन 20 का टॉपर सीएलसी का, जेई एडवांस में दोस्तों 2020 में 2000 में 6 टॉपर आपकी सीएलसी के। बात करें परी फाउंडेशन की, रिजल्ट एनटीसी का आया तो टॉपर आपकी सीएलसी के, इवन के हमारी प्रीति नाम की बेटी। 15,000 तक जनरल ओबीसी के बच्चे को कॉलेज मिलने की संभावना है, ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं, 75-80,000 एससी के बच्चे को कॉलेज मिलने की संभावना है, 1,00,000 ओवरऑल रैंक तक एसटी के बच्चे को कॉलेज मिलने की संभावना है, क्लियर। और मार्क्स की बात करूं तो 607 या 608 नंबर पर आराम से जनरल ओबीसी को मिल जाएगा, 507-8, 510 तक एससी के बच्चों को मिल जाएगा, और 500 मान लो 499 501-2 पे एसटी के बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। ये इस बार का कॉलेज की स्ट्रेटेजी है। अब बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछे, मैंने जवाब दे दिया, उनको पूछने से मतलब नहीं, मैंने सबको कॉमन जवाब दे दिया। कल 18 को मैं लाइव नहीं आऊंगा, ठीक है डियर, 19 तारीख को लाइव आएंगे, आज हम 3000 की रैंक तक बात करेंगे, और 19 तारीख को हम दोस्तों फिर अगले 3000 की रैंक तक हमारे बच्चों की बात करेंगे, पर अगले 3000 से ज्यादा बच्चे होते हैं, डेली हम 50-60 बच्चों की बात करेंगे, सीधी सी बात ही है, 50-50 बच्चों की, उनकी पूरी कुंडली बताएंगे हम, पूरी कुंडली बताएंगे हम लोग, क्योंकि लाइव का हमारा एक शानदार प्लेटफॉर्म बन गया है, हमें किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे अन्य किसी माध्यम से हमारी बात को करने की आवश्यकता नहीं। भाई आप मेरे सामने मेरे 600 परिवार के लोग देख रहे हैं, और शेयरिंग लोग कर रखी है आप लोगों ने, 88 शेयरिंग है, शेयरिंग थोड़ी सी कम है, थोड़ी अपील आप लोगों से, एक बार प्लीज सब शेयर कर दें इसको। अब मैं मेरे टॉपर्स के साथ बात शुरू करता हूं, लिस्ट मेरे सामने खोली जाए, आ जाओ डियर, पूरी स्क्रीन आपके सामने है, पूरी स्क्रीन दिख रही है, मैं कैमरे मारा हूं प्रॉपर, भाई शुरू करें, आओ डियर आप देखें, मोहित आर्य
ट्वेल्थ का बच्चा है, और बताऊं तो आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी में आपकी फोर्थ रैंक है, बट फिर भी हम अखबार के खबर में हमारी फोर्थ रैंक है, इस तरह कंफ्यूज नहीं करते हम लोग, हम ओवरऑल रैंक बात करते हैं। आप झुंझुनू मंडावा के हैं, इस बार ट्वेल्थ पास किया है, 695 आपके नंबर है, 183 रैंक है, आगे लिखा हमने एससी की आपकी फोर्थ रैंक है। आपके पिताजी जयराम जी हैं जो इंजीनियर हैं, आपकी मदर कमलेश जी है वो गृहिणी है, आपने रॉयल एकेडमी स्कूल सीकर से टेंथ पास किया, 11वीं 12वीं आपने यहाँ से फाउंडेशन किया, और दोस्तों 12वीं के साथ आपने एक शानदार रिजल्ट बनाया। अब आता हूँ ज्योति कुमाउत पे। ज्योति कुमाउत सीकर क्लासरूम की बच्ची है, ओबीसी की बच्ची है, जीणमाता हॉस्टल की बच्ची है, 690 नंबर आए, ओवरऑल 282 रैंक है, ओबीसी की रैंक 64 है। आप लोसल की रहने वाली हैं, टेंथ आपने सरस्वती स्कूल लोसल से किया, जहाँ के डायरेक्टर हीरालाल सैनी मेरे अच्छे मित्र हैं। आपके टेंथ का स्कोर 94% था, ट्वेल्थ का स्कोर आपका 90% था, ये बच्चे भी सीएलसी फाउंडेशन से है, ट्वेल्थ आपने सीएलसी के फाउंडेशन से किया। ओके डियर, ऐसे बात करूंगा तो पूरी बात सुनो, आगे चलो। थर्ड बच्चा हमारा है अभिषेक बुगालिया, आप सुजानगढ़ के बच्चे हैं, आप मेरी बी बिल्डिंग के स्टूडेंट हैं, 680 नंबर आपके हैं, 598 आपकी रैंक ओवरऑल है, 162 रैंक आपकी ओबीसी की है, टेंथ आपने पास किया था सुजानगढ़ से, 11th 12th आपने फाउंडेशन किया, दोस्तों आप भी फाउंडेशन स्टूडेंट हैं, ध्यान देना बात पे, आप भी बच्चे फाउंडेशन के, मोहित फाउंडेशन से, ज्योति फाउंडेशन से, अभिषेक बुगालिया फाउंडेशन से, आप एक अच्छा परिवार, आपका सुजानगढ़ में एक बहुत सेटल परिवार है, तो पूरे परिवार को मेरी तरफ शुभकामनाएं, फिर से पूरी बात करूंगा आज मैं इस तरह से। दोस्तों आपको मैसेज आना चाहिए, आप सुजानगढ़ चूरू के बच्चे हैं। इसके बाद देखो पारस बंसल, पारस बंसल हमारा ट्वेल्थ का स्टूडेंट है, इसको हमने सीकर लिखा है क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन में 6 महीने जो काम हुआ वो सारा काम सीएलसी हेड ऑफिस ने किया, तो हमारे जो क्लासरूम के बच्चे हैं ब्रांच का खत्म हो जाता है वो सारे, क्योंकि 6 महीने काम किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने सीकर हेड ऑफिस ने काम किया, तो सारा बच्चा सीकर क्लासरूम का मानते हैं। वैसे मैं बताऊं पारस बंसल हमारी जयपुर ब्रांच का बच्चा, ट्वेल्थ का बच्चा है, भरतपुर का स्टूडेंट है, पारस बंसल है, पिताजी का नाम दिलीप बंसल जी है, मदर दिव्या बंसल है, आप शॉपकीपर आपके पिताजी, आप नगर के रहने वाले हैं, टेंथ आपने किया संस्कार किड्स जोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगर से, संस्कार किड्स जोन से आपने किया, 94% आपके टेंथ में थे, इस बार आपने ट्वेल्थ सीएलसी से किया है, आप फाउंडेशन में बच्चे हैं, आपका 12वीं के साथ सिलेक्शन है। ओके डियर, मेरी बात आपके समझ में आ रही है, आगे चले। हाँ मैं एक बात भी चाहता हूं, अभिषेक बुगालिया के पेरेंट्स का परिचय करना भूल गया मैं, अभिषेक बुगालिया आपके पिताजी का नाम मदनलाल जी बुगालिया है, और दोस्तों आप सुजानगढ़ रहने वाले हैं, और आपके फादर का खुद का अपना व्यवसाय है। इसके बाद अपन चलते आगे, ठीक है भाई, मानता हूं कुछ लोग बोर हो सकते हैं लेकिन भाई चीज तो काम की ही है। आगे देखो शिवपाल सिंह राठौर, दोस्तों सीकर का बच्चा है, जैसलमेर का बच्चा है, आप तेजा हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, शिवपाल सिंह राठौर, ज्योत सिंह जी आपके पिताजी का नाम है, आंसू कंवर आपकी माँ का नाम है, आपके फादर अध्यापक हैं, आप माधोपुर आपका गांव है, पोकरण आपकी तहसील है, जैसलमेर से आप आए, देखो विश्वास ये होता है, जैसलमेर से आप आए, टेंथ आपका माधव सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से किया हुआ है, और दोस्तों आप भी फाउंडेशन के बच्चे हैं, आप भी फाउंडेशन के, यानी मोहित ज्योति अभिषेक पारस और शिवपाल, पहले मेरे पांचों टॉपर कहां से हैं, फाउंडेशन से हैं। दोस्तों बहुत गहरी बात कह रहा हूं, पांचों बच्चे अभी आगे भी चलते हैं, देखो पांचों के पांचों बच्चे मेरे पास टेंथ पास करके आए हुए हैं, इसलिए ये क्वालिटी है सीएलसी की। और आप देखें दोस्तों मोहित आर्य लोकल सीकर का था, पार्स हमारी जयपुर ब्रांच का था, बाकी ज्योति हमारे हॉस्टल की, अभिषेक हमारे हॉस्टल का, शिवपाल राठौर हमारे हॉस्टल का। इसके बाद श्रुति डालमिया, पिताजी का नाम राजकुमार डालमिया, मदर का नाम सुनीता डालमिया, आप बिजनेसमैन हैं, आप रहने वाले दोस्तों महेंद्रगढ़ के हैं, आपने टेंथ किया हैप्पी एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ से, ट्वेल्थ भी आपने वहां से किया, टेंथ में आपके 95% थे, ट्वेल्थ में आपके 94% हैं, और ये हमारी गुड़िया श्रुति डालमिया जिसका स्कोर है 676, 793 रैंक है, गर्ल्स में आपकी रैंक 500, हम ओवरऑल बात करेंगे, 793 आपकी रैंक है डियर। तो ये हमारी बेटी श्रुति डालमिया है। इसके बाद ओम प्रकाश बिजारनिया, हाँ श्रुति डालमिया हमारी फाउंडेशन नहीं है, यानी पहले 6 बच्चों में एक बच्ची है जो नहीं है फाउंडेशन से। आगे चलें, ओम प्रकाश बिजारनिया, पिताजी का नाम झाबरमल जी, माँ का नाम ग्यारसी देवी, आपके पिताजी किसान हैं, आप रूपपुरा कोछोर दांतारामगढ़ सीकर के रहने वाले हैं, आपने टेंथ किया था यस पब्लिक स्कूल रानौली से, ट्वेल्थ आपने
फाउंडेशन से किया, केवीएम से किया, आप फ्रेशर हैं, पिछली बार इसकी एज नहीं थी बच्चे की, नहीं ये पिछली बार ठोक देता। फिर से कहता हूं, ओम प्रकाश बिजारनिया बी बिल्डिंग स्टूडेंट है, 676 नंबर है, रैंक आपकी 853 है। मैं ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूं, ये लोग जो ईडब्ल्यूएस लगा दिया और ये लगा दिया, मैं गोल गोल बात नहीं करता भी किसी को, और इस चक्कर में कई बार मात भी खा जाता हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग क्या बेवकूफ बनने में जाता है, कुछ लोगों को कुछ लोग बेवकूफ बनाने में जाता है, कुछ पता नहीं डेट छाने के चक्कर बेवकूफ बन जाते हैं। आज अखबार देखा मैंने, हमारी ईडब्ल्यूएस की रैंक ये, हमारी ये रैंक, अरे भाई रैंक की बात करना यार, और रैंक क्या है देश में तेरी। तो दोस्तों ये ओम प्रकाश बिजारनिया है, ये फाउंडेशन से है, साथ में केवल एक बच्ची अभी ऐसी आई है जो हमारे पास 12th पास करके आई थी। इसके बाद जयंत पिपलोदा, जयंत पिपलोदा आपके पिता बिरबल सिंह जी है, माता का नाम शारदा देवी है, पिताजी आपके टीचर हैं। आप दोस्तों पिपलोदा का बास है, नीम की खंडेला सीकर के रहने वाले हैं। आपने 10th किया था अल्बर्ट आइंस्टीन पब्लिक स्कूल से, ये हमारे जायसवाल भाई हैं, इनके बेटे मेरे पास ही पढ़ रहे हैं, आए भी थे। उसके बाद आपने भी 11th 12th फाउंडेशन किया सीएलसी से, फिर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं। 10th का स्कोर आपका 89 था, 12th का स्कोर आपका 84 था। दोस्तों ये अगला बच्चा मेरा, सुनील सर सही चल रहा कार्यक्रम बिल्कुल, इसलिए दोस्तों मैं सब बच्चों की बात एक साथ नहीं कर सकता, आज हम केवल उनकी बात करेंगे जिनकी रैंक पहले 3000 में है। और जयंत की रैंक है दोस्तों आपके सामने 893 और आप भी बी बिल्डिंग स्टूडेंट है। उसके बाद शालिनी यादव, शालिनी यादव आ जाओ जी, पिताजी का नाम मनोज कुमार जी, माता का मदर का नाम सुनीता देवी, आप अक्ष एयरफोर्स में है, कनवाई नारनोल महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, द एयरफोर्स स्कूल न्यू दिल्ली आप पढ़े 10th, द एयरफोर्स स्कूल न्यू दिल्ली आपने 10th भी एयरफोर्स स्कूल से किया, 12th भी वहां से किया, आप हमारे पास 12th पास करके आए, 10th का स्कोर 95 है, 12th का स्कोर 93 है, और आपकी दोस्तों ओवरऑल रैंक मेरी बेटी शालिनी यादव की 675 है। आप हमारे नाथजी हॉस्टल से हैं, ठीक है डियर, आप भी हमारे नाथजी हॉस्टल से हैं। आगे चलें, आयते पालीवाल, आयते पालीवाल 12th के साथ हमारी जोधपुर ब्रांच का बच्चा है, इसी बार 12th पास किया है, मेघराज जी पालीवाल पिताजी का नाम है, कांता पालीवाल मदर का नाम है, पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में है, जोगियों का बास फलोदी के रहने वाले हैं आप, और आपने 10th भी रेड रोज से किया, ये बच्चा हमारे 9th में आ गया था, 9, 10, 11, 12 हमारे पास 4 साल रहा, 10th हमारे स्कूल से किया, ये 10th में बच्चा बहुत अच्छा स्कोर लेके आया था, फिर 11वीं किया, इस साल 12th पास किया है, और 12th के साथ दोस्तों इसने 675 मार्क्स लाके 956 रैंक दी है। मैं फिर से बात करना चाहता हूं, एक एक बच्चे कुंडली आपको बता रहा हूं, बच्चा कहां का रहने वाला है, बच्चा मेरे साथ कब से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके बाद बात करें निखिल यादव की, निखिल यादव नीट का बच्चा है, निखिल यादव पिताजी का नाम सुनील कुमार है, माता का नाम धोली देवी है, पिताजी आपके किसान हैं, आप दोस्तों सहबाद तिजारा अलवर के बच्चे हैं, आप अजीत पब्लिक स्कूल तिजारा से 10th पास किया, इंजीनियर्स पॉइंट ईपी स्कूल है हमारे भाई मूछवाड़े आजाद सिंह का स्कूल है, मेरा अच्छा मित्र आजाद सिंह मित्र का छोटा भाई है मेरा, आपके स्कूल से आपने 12th पास किया, और दोस्तों आज आपकी रैंक है 1220, आपके नंबर 670 हैं। ये बच्चा हमारे फाउंडेशन नहीं था, ये हमारे भाई आजाद सिंह के पास पढ़ के आया था, जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा स्कूल चलता है आपका, मेरे भाई को बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद हमारी गुड़िया, फिर आशीष नाम का बच्चा, यहां मतलब ये आशीष नाम का बच्चा कोरोना पीरियड जुड़ा था मेरे से, कैथल का बच्चा है, 670 नंबर है, 1251 आपकी रैंक है। दोस्तों ये बच्चा बिल्कुल कोरोना टाइम हम जुड़ा था, आपके फादर साहब ने बहुत बार मैसेज किए, श्रवण जी पूरी सफलता का श्रेय हम देते हैं सीएलसी को, इसलिए साफ लिखा है ये कोरोना पीरियड का स्टूडेंट हमारा, 670 मार्क्स बच्चे के आए हैं, 1251 रैंक है। ये कहता साहब 7 महीने श्रवण जी आपने मेरे बच्चे को संभाला, तो नो डाउट मेरे बच्चे की सफलता का श्रेय आपको जाता है, जैसा आपके पेरेंट्स ने मुझे व्हाट्सअप किया जो आप शेयर करना चाह रहा हूं। इसके बाद हमारी बच्ची सुमैया, सुमैया इकबाल हुसैन जी पिताजी का नाम है, आप प्राइवेट सर्विस करते हैं, मदर का नाम बेबी है, आप झुंझुनू के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 33 के बच्चे हैं, आपने 10th किया था प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू से, 12th आपने किया डिफेंस पब्लिक स्कूल झुंझुनू से, आप भी 11th 12th बाहर से पढ़ के आए थे, आप अपने टारगेट में थे, और सुमैया दोस्तों अपने बालाजी हॉस्टल की बच्ची है। फिर आगे चलें, अनु अग्रवाल, ठीक है भाई सुनील सर सही चल रहा कार्यक्रम बिल्कुल। फिर देखो दोस्तों अनु अग्रवाल, मूलचंद जी गुप्ता, मदर का नाम उषा देवी है, आप बधाल के बच्चे हैं, रेणवाल, बधाल रेणवाल जयपुर के पास एक जगह है, बधाल के बच्चे हैं, ज्ञान भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बधाल से आपने 10th किया, और सैनिक सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, हाँ सैनिक स्कूल है, सैनिक अकॉर्डिंग ये हमारे गढ़वाल जी किशनवण जी गढ़वाल का स्कूल है, आपने वहां स्कूल किशनपुरा से आपने 12th पास किया। फिर से वो अनु अग्रवाल है,
टेंथ ज्ञान भारती से किया हुआ है, ट्वेल्थ आपका सैनिक विद्या, ये सैनिक विद्या मंदिर श्रवण जी गढ़वाल, श्रवण जी गढ़वाल भाई को सलूट है, श्रवण गढ़वाल भाई जो बच्चे अच्छे आपने मेरे पास भेजे उनको मैं सेलेक्ट कराया है, तो अपने अच्छे बच्चों को ढंग से अच्छी जगह भेजने मोटिवेट करो और करो ताकि उनको रिजल्ट मिल सके। आपकी दोस्तों अनु अग्रवाल बच्ची, ये मेरे बालाजी हॉस्टल की बच्ची है, आपका स्कोर 667 है और आपकी रैंक दोस्तों 1437 है। रैंक का कलर आप चेंज कर दो, मार्क्स का अलग कलर कर लो। अब अमित कुमार शर्मा, देखो 12वीं का बच्चा मेरा अमित कुमार शर्मा, अनु अग्रवाल के बाद अमित कुमार शर्मा मेरा 12वीं का स्टूडेंट है। देखो भाई कितना प्यारा बच्चा है, मेरा सीकर का बच्चा है, 12वीं का स्टूडेंट है, बाबूलाल शर्मा जी पिताजी का नाम है, गुड्डी देवी शर्मा जी मदर का नाम है, ट्रांसपोर्ट सॉरी राजस्थान पुलिस में आपके फादर जॉब करते हैं, तिगरिया एक जगह है चोमू के पास वहां के रहने वाले हैं, विकास विद्या आश्रम जयपुर से आपने टेंथ किया और ट्वेल्थ आपने केयू स्कूल से किया है। फिर से बताऊं अमित कुमार शर्मा टेंथ बी बिल्डिंग का स्टूडेंट है, 665 नंबर आपके हैं, रैंक आपकी 1647 है। ओके डियर, इसके बाद हमारी उषा, पिताजी का नाम सुभाष चंद ढाका, माता का नाम कमला देवी, आप बासनी बैरास लक्ष्मणगढ़ की बच्ची हैं, टेंथ आपने श्री रघुनाथ सिंह स्कूल लक्ष्मणगढ़ से किया, ट्वेल्थ भी आपने वहीं से किया, उषा ने टेंथ भी लक्ष्मणगढ़ से किया, ट्वेल्थ भी लक्ष्मणगढ़ से किया, आप बैरास बासनी की बच्ची हैं और दोस्तों उषा लोकल ही मतलब आपकी मदर साथ रहती थी, आपका स्कोर है 665, रैंक आपके 1705। इसके बाद नंदिनी यादव, नंदिनी यादव महेश चंद यादव, मदर का नाम किरण यादव, पिताजी आपके टीचर हैं और आप गुआना बहरोड अलवर की बच्ची हैं, यदुवंशी स्कूल से आपने टेंथ किया था, यदुवंशी स्कूल से आपने ट्वेल्थ पास किया था, यदुवंशी शिक्षण निकेतन नारनोल है, यदुवंशी नारनोल से बच्ची पढ़ के आई, नंदिनी नाम की बच्ची है, 17 में आपका ट्वेल्थ पास किया हुआ है और दोस्तों 665 नंबर के साथ 1707 नंबर आपके अभी आए हैं। ओके डियर, अब हमारी और एक लाडली बेटी महिमा चौधरी, महावीर सिंह जी, रमेश देवी आपकी मदर भी गवर्नमेंट टीचर हैं, फादर आपके बिजनेसमैन हैं, मांडेलाई गांव मेरे फतेहपुर के पास वहां की बच्ची हैं, फतेहपुर शेखावाटी सीकर की बच्ची हैं, टेंथ भी आपने गुरुकुल स्कूल से किया, ट्वेल्थ भी आपने गुरुकुल स्कूल से किया। गुरुकुल स्कूल है अरसावा में फतेहपुर के पास, जिसको मेरे एक मित्र चलाते हैं, जिनकी भांजी प्रियंका नाम की बच्ची सेलेक्ट हुई थी मेरे यहाँ से, तो उन्होंने इस बच्ची को मोटिवेट किया था और आपकी मदर टीचर हैं। महिमा चौधरी नाजी हॉस्टल की बच्ची थी, 665 नंबर आए और 1712 रैंक दोस्तों आपकी रही है। गुरुकुल स्कूल के मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अच्छे बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं सीएलसी के लिए और सीएलसी उनको सफलता में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों ये हमारे गुरुकुल स्कूल से हमारी एक बॉन्डिंग है। इसके बाद हरिओम बुनकर, ट्वेल्थ का बच्चा, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, बी बिल्डिंग का बच्चा है, 665 नंबर आए। हरिओम बुनकर, सुवालाल जी बुनकर, माता छुटन देवी जी, पिताजी लेबर हैं, गांव में मजदूरी करते हैं, बहलोद जम्मा रामगढ़ जयपुर का बच्चा है, टेंथ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया हुआ है। दोस्तों ये है, ये सीएलसी है। अब रुक के बात करता हूं थोड़ी सी। हरिओम बुनकर एससी परिवार का बच्चा है, नंबर कितने लेके दोस्तों 665, कहां रहा, बी बिल्डिंग में। ये प्यारी सीएलसी कराती है, मम्मी साथ है, पापा साथ है, ग्लूकोज की बोतल लिए खड़े हैं, जूस का गिलास लिए खड़े हैं, उन लोगों के बच्चों को सिलेक्ट होने में दोस्तों जोर क्या आता है, सीएलसी उन बच्चों से कराती है जो किसान का बेटा है, हॉस्टल में रहता है, मां में, दादी में, टीवी में, दोस्त में, अखबार में, मेंटर में, टीचर में, तब जाकर रिजल्ट बनते हैं, पिता खेती करते हैं सिंपल सी। 665 नंबर के साथ दोस्तों हरिओम बुनकर, 12वीं के साथ 1764 रैंक और 665 नंबर है दोस्तों, एक बहुत अच्छी कॉलेज बचा जाएगा, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। इसके बाद पूर्वेश वशिष्ठा जयपुर का बच्चा है, 665 नंबर है। पूर्वेश वशिष्ठा, गजेंद्र जी शर्मा, सुमन देवी, पिताजी खेती करते हैं, फतेहपुरा सामोद के चोमू रहने वाले हैं, आजाद पब्लिक स्कूल चोमू से आपने टेंथ पास किया और आपने कृष्णा पब्लिक स्कूल चोमू, कृष्णा पब्लिक अपने स्कूल नहीं भाई, कृष्णा एक चोमू स्कूल है, वहां से आप ट्वेल्थ पास करके आए और दोस्तों आज आपके मार्क्स हैं 665, 1799 आपकी रैंक है, सीकर क्लासरूम का बच्चा डीए। ओके भैया, इसके बाद शुभम साहू हमारे कोटा सेंटर का बच्चा, बिल्कुल साहब विदिशा का बच्चा है, बिल्कुल साहब विदिशा जानते हो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल साहब सीएलसी की टेस्ट भी चलती है, सीएलसी की टेस्ट सीरीज साहब कोटा में चलती है, लास्ट में साहब 1300 बच्चे ने पेड करके टेस्ट ज्वाइन कराई है वहां। ये सीकर में कोई फटफड़ाट करते हैं ना कि ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, तो सुनो सीकर वाले सारे कोटा टेस्ट सेंटरी जाके चेक पूरे हाथ पांव मार के चली नहीं, मेरे सामने ले आओ ना,
और जो ब्रांचों की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने ब्रांच ऑल ओवर में खोल रखी है, जो स्कूल चलती है ब्रांच नहीं है वहां पर, आप खोलो ना, ब्रांच कौन मना करता है, दम अच्छी ब्रांच लाने भैया, सीधी सी बात है। अब भैया हमारी तो ब्रांच भी चल रही है, हमारा तो टेस्ट सीरीज चल रहा, फिर चाहता हूँ ये इस तब बोलना पड़ता है जो अखबार में हेडिंग नो टेस्ट सीरीज, नो टेस्ट सीरीज, नो ब्रांच, ब्रांच आज भैया एलन की ब्रांच सीकर में है ना, तो ब्रांच ही तो है, ब्रांच है ना, बच्चे से पढ़ रहे हैं अगले के पास, तो बच्चे तय पढ़ रहे हैं ना अगले कहीं वैल्यू, तो मेरे पास बच्चे अलवर जयपुर जोधपुर पढ़ रहे हैं तो कहीं मेरा नाम है सर, भैया वहां से दी सी बात है, ये बिल्कुल शुभम साहू बच्चा है, स्पष्ट करें हम कोई गोल गोल बात नहीं करते, बाकायदा लिखा कोटा टेस्ट सीरीज का बच्चा है, और दोस्तों ये रे पूरे टेस्ट लिखा कैमरा, ये इस बच्चे के टेस्ट दिए हुए सारे, ये रे ये सारे इस बच्चे के टेस्ट दिए हुए हैं, ये इसके टेस्ट के फॉर्मेट है भैया, और लॉकडाउन के टाइम में सारे बच्चे जुड़े हुए थे मेरे से दोस्तों, ओके, और ये इस बच्चे की कुंडली है, और ये इसके 661 नंबर है, 2074 दोस्तों नंबर इसके। उसके बाद मेरी अगली बेटी प्रज्ञा यादव, प्रज्ञा यादव, प्रज्ञा यादव, ये मेरी फिर जीन माता की हॉस्टल की बच्ची है, 661 नंबर है, प्रज्ञा यादव, सत्यवीर सिंह जी, सरोज यादव, फादर टीचर हैं, कनवार धोपा भैरोड अलवर की रहने वाली हैं, राठ इंटरनेशनल स्कूल भैरोड से आपने 10th पास किया और राठ इंटरनेशनल स्कूल से आपने 12th पास किया, ये बच्ची फाउंडेशन से नहीं है, राठ स्कूल से पढ़ के आई है, राठ स्कूल के मैनेजमेंट को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम कि आप अच्छे बच्चे मुझे भेजे ताकि हमने मिलकर उनको अच्छा रिजल्ट बनाया, ये हमारी बेटी है प्रज्ञा यादव और ये जीण माता हॉस्टल की बच्ची है। उसके बाद आप देखें विकास जाट, विकास जाट के बारे में बात करें, ये बच्चा भीलवाड़ा का है, 661 नंबर है, सुरेश जी जाट आपके पिताजी हैं जो खेती करते हैं, दोस्तों आप देखें मैं साथ साथ चाय पीता रहूंगा भाई, विकास जाट, सुरेश जी जाट, मदर का नाम माया देवी जाट, आप समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने 3000 बच्चों तक लिया है, ऐसे पूरी बात करना बच्चे की यार, अब विजयोत्सव तो कर सकते नहीं भाई, ये विजयोत्सव है, शेयर कर दो आप एक बार यार, शेयर करो, एक किसान का छोरा पिताजी खेती करते हैं, आपका गांव है गंगापुर सहारा भीलवाड़ा में, आप भीलवाड़ा के रहने वाले हैं, गंगापुर भाग तहसील हेडक्वार्टर होगा, आपने 10th भी केवीएम से किया, ये देखो 10th भी केवीएम से किया, 12th भी केवीएम से किया, और आप फ्रेशर हैं, आपका पिछली बार 12th किया हुआ है, आप फ्रेशर हैं, देखे ये 2019 आप फ्रेशर बच्चे हैं, 9th में मेरे पास आ गए थे, 9, 10, 11, 12 दोस्तों तैयार करते हैं बच्चों को, तैयार करते हैं बच्चों को, इसलिए लोग जेसीएलसी कहते हैं, इसलिए इसको मां सीएलसी कहते हैं, सीएलसी सीकर की शान है, सीकर की जान है, सीकर का अभिमान है, रिजल्ट आता टॉप तो सीएलसी का बच्चा करता है ना यार। दोस्तों श्रवण चौधरी कोई फोटो इकट्ठी कर नहीं छापता है, एक सिंगल बच्चा में कह देना तो बिल्कुल जो तुम कहो करने उतारे, श्रवण चौधरी टीएस का बच्चा, टीएस का बच्चा है, और टीएस के बच्चे को फॉर्म उन बनाते हैं जाके। आगे प्रवीण छिंपा, प्रवीण छिंपा हमारा जयपुर ब्रांच का बच्चा था, नीट में 2019 फ्रेशर बच्चा है, 661 नंबर है, और आप देखो ये सारे टेस्ट, क्लास रूम का बच्चा हमारा, टेस्ट का बच्चा नहीं है, तो प्रवीण छिंपा, पिताजी का नाम मनमोहन छिंपा जी हैं, आपका 10th का स्कोर 95 है, 12th का स्कोर 89% है, आप श्यामनगर सांगानेर के रहने वाले हैं, आप देखिए दोस्तों प्रवीण छिंपा बहुत प्यारा बच्चा हमारा, फ्रेशर बच्चा है, 661 नंबर है। इसके बाद मनीष चौधरी, मनीष चौधरी हमारे प्रताप हॉस्टल का बच्चा है, पिताजी रामदयाल जी हैं, माता बिदामी देवी जी हैं, सर्विस आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं, राजलानी भोपालगढ़ जोधपुर के बच्चे हैं आप हमारे जोधपुर के बच्चे हैं, आपने अरुणोदय पब्लिक स्कूल अजमेर से आपने 10th किया और कृष्णा विद्या मंदिर सीकर से आपने 12th किया, ये फिर बच्चा फाउंडेशन का, देखो इस बच्चे ने फाउंडेशन सीएलसी से किया और आज दोस्तों आपके सामने ये हॉस्टल में रहा है। अब थोड़ा समझो, अब चीजों को समझने की कोशिश करो गार्जियंस, जो लोग लाइव देख रहे हैं ना, सीकर की किसी कोचिंग का रिजल्ट आता है 10 फोटो छापेंगे 8 बच्चा सीकर का झुंझुनू का, उनमें 80% रोल भैया उसके पेरेंट्स का है, और आधे उनमें से वो फोटो फाटो इकट्ठी कर करा के भी लोग मैनेज कर लेते हैं, ऐसा मेरे को सुनने में आया है, आधा रोल पेरेंट्स का है। सीएलसी बाहर से बहरोड से बच्चा आता है, जोधपुर से बच्चा आता है, बिलाड़ा से बच्चा आता है, भिलाड़ा से बच्चा आता है, मेहंदगढ़ से बच्चा आता है, हॉस्टल में रहता है, पूरी केयर की जाती है उसकी, उसके बाद दिल निकलता है दोस्तों। और इसीलिए मैं तो कहता हूं, मैंने उस पर एक दिन पेस्ट लाइव में कहा था कि मैं थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा कड़वा व्यक्ति हूं, सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति हूं, मुंह पे बोलता हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी से मेरा काम करता हूं, इसलिए किसी बटरिंग में बटरिंग करता हूं प्रवाड़ी केवल, मैं कभी इंसान बटरिंग नहीं करता। इस चक्कर में कुछ लोग कई बार कह देते हैं श्रवण जी आप, मैं मेहनत करता हूं भाई, खैरात नहीं खाता, ईमानदारी से काम करता हूं और रिजल्ट तैयार करता हूं,
अब तक मैंने कितने बच्चे दिखाए आपको, 25, ऊपर से लड़ा एग्रीमेंट दूर करना इसको, 25 में आप देखो दोस्तों एक साथ दिखा कितने बच्चे हॉस्टल गए हैं, 25 में देख पहले 25 में कितने बच्चे हॉस्टल गए हो गए, 13 बच्चे हॉस्टल गए हैं, मेरे टॉप 25 बच्चों में 13 बच्चे हॉस्टल गए हैं भाई, और एक एक बच्चे की बात बताई जा रही है, एक एक बच्चे की बात बताई जा रही है। आगे चले आओ, फिर से कहता हूं इस लाइव को देखने वाले, मेरे अपनों से अपील है कि अब भी कोई लड़के मेरे बेटे बेटियां गलत संस्थाओं में उलझे में सीकर में, तो अभी सीएलसी लिया हो उनको, 22 तारीख को आपकी अपनी संस्था नया रिपीटर का बैच स्टार्ट कर रही है, दर पे आ जाना दोस्तों, खाली आ जाने नहीं दूंगा, फीस का कुछ आप मेरी मानना कुछ आपकी मान लूंगा, फीस की बात तो ये सोचना कि मेरे भी खर्चा होता है, बहुत गहरी बात कह रहा हूं, मेरे को भाई मान के बात करना, बार्गेनिंग करके बात मत करना, एक इस भाई की संस्था है, भाई का घर भी बसा रहे और आपका भी घर बसा रहे, आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए और मेरा घर बसा रहे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ाया मैंने, आगे पढ़ाऊंगा मैं, रिजल्ट दे रहे हैं ना, आ जाओ आगे चलो। नीरज शर्मा, नीरज शर्मा हमारी, नीरज शर्मा सीकर का बच्चा है, झुंझुनू जिले का बच्चा है, आ जाओ बताता हूं, नीरज शर्मा, अनिल कुमार जी शर्मा, मम्मी का नाम सविता देवी जी, पिताजी खेती करते हैं, नर्सिंग पूरा आपका गांव है, पातुश्री झुंझुनू में जगह है, वहां के हैं, टेंथ आपने किया टैगोर स्कूल झुंझुनू से, ट्वेल्थ भी आपने किया टैगोर स्कूल झुंझुनू से, तो टैगोर स्कूल के मैनेजमेंट को मेरा सलाम, मेरा प्रणाम, आभार कि उनके कारण एक अच्छा बच्चा मिला, बिल्कुल साहब मैं किसी का एहसान प्रमोशन नहीं करता, अच्छे बच्चों तैयार किया हमने, उसको आगे पॉलिश किया। आगे चले हेमंत कुमार, हेमंत कुमार हमारा ट्वेल्थ का बच्चा साहब, वैसे हेमंत के बारे में बता दूं, ये हेमंत की मदर मेरी मिसेज के रियल मामा की लड़की हैं, मेरा बच्चा सारे मेरे परिवार है, बट ये मेरे दो परिवार, एक खून के परिवार वाले और एक सीएलसी परिवार, तो ये मेरा जो परिवार है खून वाला, मेरी धर्मपत्नी के रियल मामा जी हरलाल जी, जो मामा जी हैं उनके, उनकी लड़की जो इसकी मदर मंजू हैं, उनका बेटा है, ये मेरे पास 11th में आ गया था। तो हेमंत कुमार, समुद्र सिंह जी आपके पापा का नाम है, मंजू देवी आपकी मदर का नाम है, आपकी मदर टीचर हैं, आप नारसरा गाँव आपका क्यामसर के पास रामगढ़ शेखावाटी में, आपने 10th पास किया था विनायक स्कूल फतेहपुर से, तो विनायक स्कूल के बालिक महेश जी भाई हैं, महेश जी भाई को प्रणाम भाई, आपने अच्छा बच्चा भेजा, और 11th 12th आपने सीएलसी से किया, इसी साल आपने 12th पास किया है, 12th का स्कोर भी आपका 88 के आसपास है, और 660 नंबर आपके आए हैं, 2342 रैंक आपकी आई है। अब आ जाए साहब, तन्मय चौधरी, ये बिल्कुल साहब अलवर ब्रांच का बच्चा है, 12th के साथ आ जाओ जी। तन्मय चौधरी, सावंत सिंह जी आपके पिताजी का नाम है, आप इसी बार 12th पास किया है, सूर्य नगर अलवर के आप रहने वाले हैं, और दोस्तों आपका स्कोर है तन्मय कुमार का 659, लेकिन इस बार ब्रांच का रोल खत्म हो गया, क्योंकि 6 महीने सबको मैंने संभाला भैया, 6 महीने हमारी सीकर की पूरी टीम ने संभाला, इसलिए ब्रांच का मीनिंग खत्म हो जाता है। टीएस के बच्चे हैं उनको भी खूब संभाला, मैंने कहा ना आशीष नाम का जो बच्चा है, मेरा व्हाट्सएप लिखा ना एक मिनट, मेरा मोबाइल लिखा, आशीष नाम का जो मेरा बच्चा है जो हरियाणा के फादर, मैं अभी पढ़ाता हूँ पूरा मैसेज, उनका श्रवण सर मेरे बच्चे को 6 महीने आपने संभाला, तो मैं कैसे इग्नोर कर दूं कि मेरे बच्चे की सफलता में रोल आपका है ही नहीं, मैं कहता हूँ आप मेरे इस बच्चे की सफलता रोल ही आपका है, इसलिए हमने बाकायदा लिखा कोरोना पीरियड, हमने बाकायदा लिखा कोरोना पीरियड, आप देखो इसमें कोरोना पीरियड दिखाई इसे बाकायदा, हमने कोरोना पीरियड हमने लिखा इसे बाकायदा, ये रहा कोरोना पीरियड लिखा हुआ इसमें। आगे आए कमल चारण, मैं जरा आशीष के बारे में, आशीष का जो मेरे को व्हाट्सएप आया हुआ है उसके पापा जी का, मैं उस पर भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों श्रवण चौधरी बिल्कुल सारी बातों को खुल के बोलता भाई, क्योंकि मेरे को सीधी सी बात जिंदगी में एक इरा, आशीष हरियाणा से हैं, इनके पिताजी का मेरे पास, तो सबसे पहले व्हाट्सएप आया सुनाता हूं साहब आपको, ये व्हाट्सएप सुना रहा हूं साहब, गुड इवनिंग इंजीनियर श्रवण कुमार जी, थैंक्स सर विथ योर वैल्यूएबल गाइडेंस एंड एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल ऑफ फिजिक्स एंड टेस्ट, माई सन गोट 99.50% इन जेई, जेई का बच्चा भी है, रियली एक्सीलेंट कोचिंग इन नीट और जेई फ्रॉम डॉक्टर सारण एस डी कॉलेज अंबाला कैंट हरियाणा, सारण साहब हैं पिताजी, और आप अंबाला कैंट में दोस्तों वहां डॉक्टर हैं एस डी कॉलेज में, और आपका आपके ये तो आपके जेई का रिजल्ट रहा और नीट का रिजल्ट आपके दोस्त सामने है, तो इसलिए और साफ लिखा हमने कोरोना पीरियड, देखो इसको साफ लिखा हमने कोरोना पीरियड, इसके अंदर ये रहा कोरोना पीरियड, इससे ज्यादा सच्चाई क्या हो सकती है भाई। अब ये इतने सच्चाई, कई बार इतनी सच्चाई हजम होती इन लोगों को, वो गांव में कावतन देसी घी पछता नहीं आज के लोगों से, बीमारी कई हो गई। आगे चलते हैं कमल चारण, कमल चारण साहब ऊपर लो बेटा, कमल चारण चूरू का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा, आ जाओ जी। कमल चारण देवी दान चारण जी आपके पिताजी का नाम है, आप चूरू के रहने वाले हैं, 10th आपके 90% है, 12th आपके 85% है, और आप अभी सीएलसी फाउंडेशन स्टूडेंट है, आपने सीएलसी से 11th 12th किया और आप फ्रेशर हैं, आपने दोस्तों इसी साल लास्ट ईयर 12th किया था सीएलसी से, आप फ्रेशर हैं। इसके बाद आगे चले नितिन प्रकाश शुक्ला, बाकायदा कोटा लिखा साहब, कोटा टीएस का बच्चा साहब,
कोटा टीएस का बच्चा है, आपके पिताजी का नाम प्रकाश नारायण शुक्ला जी, आप सुल्तानपुर उत्तर रहने वाले हैं और दोस्तों आपका स्कोर है 657। इसके बाद रमेश चंद कुमावत, बजरंग लाल जी कुमावत, मात्र का नाम चुनी देवी जी, आपके पिता किसान हैं। गुडा बेरसल दुद्दू जयपुर का बच्चा है, टेंथ आपने किया डायमंड अकेडमी स्कूल से, ट्वेल्थ भी आपने किया डायमंड अकेडमी स्कूल आसलपुर से। मैं इस डायमंड स्कूल के प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को फिर से प्रणाम करता हूं, एक अच्छा बच्चा आपने मेरे को दिया, ईश्वर आपका मेरा रिश्ता आगे और मजबूती से बनाए रखे। तो ये स्टूडेंट है मेरा रमेश चंद कुमावत, आपका स्कोर है 657। और दोस्तों मुझे आज याद है आपके स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चे से ही हैं, उनका ना रमेश जी है, वो एक बात मेरे पास है, रमेश जी लाइव देख रहे हैं तो भाई आपको नमस्कार, रमेश जी आप मेरे पास आए थे, रमेश जी इस बार दो तीन एडमिशन और भी अभी संस्था को करवाए हैं। तो ये हमारे रमेश कुमार वहां से, अमल रुंडला ये मेरा बहुत लाडला बेटा है, बहुत लाडले सारे ही, ज्यादा लाडला है अमन, पिताजी राजेंद्र प्रसाद नाम है, मदर का नाम कौशल्या देवी है, पिताजी किसान है, रामपुरा सापुरा जयपुर का बच्चा है, तक्षशिला पब्लिक स्कूल बहरोड से आपने टेंथ पास किया और कृष्णा विद्या मंदिर आपने ट्वेल्थ पास किया। फिर बच्चा कहाँ से आ गया, फाउंडेशन से, और दोस्तों 2018 में आपने ट्वेल्थ पास किया था, 656 नंबर है और ये आपके सामने रिजल्ट है। अब आगे आए प्रेरणा तोलानी, ये बच्ची भीलवाड़ा की बच्ची है, नरेश कुमार तोलानी आपके पिताजी का नाम है, दिव्या तोलानी आपकी मदर का नाम है, आपके फादर बिजनेस करते हैं। दोस्तों सापुरा भीलवाड़ा की बच्ची है, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से आपने टेंथ पास किया और एवरग्रीन पब्लिक स्कूल भीलवाड़ा, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट स्कूल है वो, तो नाम दिया स्वामी जी के नाम पे, ये मॉडल स्कूल थी, सरकारी स्कूल से आपने टेंथ पास किया था, ग्रीन पब्लिक स्कूल से आपने ट्वेल्थ पास किया, आप फ्रेशर हैं, आपने 2019 में पास किया है और दोस्तों पहले चांस में आपके नंबर 656 है, ये रैंक आपके सामने है। उसके बाद हमारी प्रियांशी सैनी, प्रताप सिंह जी आपके पिताजी का नाम है, दीपा डिंपल देवी आपकी मदर का नाम है, फादर आपके बिजनेस करते हैं, आप झुंझुनू के वार्ड नंबर 4 अशोक नगर बगड़ रहने वाले हैं, बगड़ नगर के इस बच्चे हैं, अभी उत्तम श्रेणी भी अच्छी रैंक में आया है, वार्ड नंबर 4 है अशोक नगर बगड़ की बच्ची है, राजस्थान की रहने वाली है, हिंद अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा से आपने टेंथ पास किया और कृष्णा विद्या मंदिर से आपने ट्वेल्थ पास किया, हिंद अकेडमी स्कूल भी मेरे एक दोस्त का चुड़ावा में, उनको भी सलाम है, उनको भी नमस्कार है। और दोस्तों ये गुड़िया हमारे जीणमाता हॉस्टल में रही 2019 में, ये फ्रेशर बच्ची है, इसने ट्वेल्थ ऐसे ही किया था, फिर बच्ची कहां से आ गई, फाउंडेशन से। सुनील सर ठीक चल रहा है, हाँ भाई सही, देखो अच्छा मजा आ रहा है, देखो ऐसे एक एक बच्चे की बात करते हैं, ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं करते, वो ईडब्ल्यूस कर दिया, ये कर दिया ना, कुछ और आदमी की बात करें, आगे चले तनुजा अलवर की बच्ची है, जीणमाता फर्स्ट हॉस्टल, मेरा नाम है हॉस्टल का जीणमाता तनुजा, पिताजी का नाम सत्यवीर सिंह जी है, मदर का नाम संयोगिता है, आप निमराना अलवर के रहने वाले हैं, मोहन लाल दया आप स्कूल से आपने टेंथ पास किया और प्रिंस महावीर विद्या मंदिर सीकर, प्रिंस ये आप सेल्सी फाउंडेशन से नहीं है, आप बाहर से ट्वेल्थ पास करके आए थे, और तनुजा नाम की गुड़िया है, अलवर की बच्ची है और दोस्तों जीणमाता फर्स्ट हॉस्टल में रही हमारे में, वो 655 नंबर लेके आई। इसके बाद उत्तम सैनी आ गया मेरा, उत्तम सैनी आपके पिताजी आर्मी पर्सन हैं, आपके तीन बच्चे हैं, बड़ी बेटी दिव्या सैनी विट 12 सेलेक्ट हुई थी, उत्तम सेलेक्ट हो गया, इसकी बहन का भी सिलेक्शन इस बार शायद उसका भी, उसको भी कॉलेज मिल जाएगा, उत्तम भाई शायद मिल जाएगा उसको भी ना, उत्तम सैनी, संतोष कुमार सैनी आपके रिटायर्ड एक्समैन है, आप श्रीमती अंजू सैनी आपकी मदर है, आप सर्विसमैन है, अशोक नगर बगड़ के आप रहने वाले हैं, आप टेंथ पास करके आए थे SHGM पब्लिक स्कूल बगड़ से और आपने ट्वेल्थ पास KVMC किया था, यानी आप भी स्टूडेंट फाउंडेशन, तो पूरा परिवार है, दिव्या भी 12th सेलेक्ट हुई थी, उत्तम को थोड़ा एक साल लग गया, वो लास्ट 12th के साथ था, इस बार फ्रेशर था, ये भी कहां रहता था भैया, बी बिल्डिंग में, स्कोर क्या बना डियर 655। अब हम बात करते हैं रितु नाम की हमारी बेटी से, अर्जुन कुमार आपके पिताजी का नाम है, सरोज देवी मदर का नाम है, सिरसा हरियाणा के आप रहने, हरियाणा का तो बच्चा इतना विश्वास करके सीकर सेल से आता है, वो यूं बिल्कुल शानदार जिंदगी जाता है, मैं फिर हरियाणा के लोगों के विश्वास को सलाम करता हूं, वो लोग जानते विश्वास क्या होता है, हरियाणा में शिक्षा भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, वहां संस्कार भी जरूरी है और सफलता भी जरूरी है। हरियाणा का आदमी कहता है श्रवण जी पढ़ाई हो सकता है और भी कहीं होती होगी, लेकिन हमारे बच्चे सेफ होते हैं आपके पास, हमारे बच्चों संस्कार बहुत अच्छे मिलते हैं, हानिकारक बापू वहां महावीर फोगाट जैसे, यहां मैं भी हानिकारक बापू उधर बैठा हूं, और इसी दिन है कि दोस्तों ये रितु हमारी गुड़िया सिरसा की रहने वाली है, 655 नंबर आपके हैं।
दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा से आपने टेंथ किया, वहीं से आपने ट्वेल्थ किया, आप स्कूलिंग करके हमारे पास आए थे। इसके बाद हमारा अगला बेटा समुद्र, ये भिवानी से, ये हरियाणा से आ गया। देखो पिताजी का नाम संदीप कुमार जी है, मदर का, बहन का नाम है पुष्पा जी, मदर का नाम पुष्पा जी है, पुष्पा जी है, आप भिवानी के रहने वाले हैं। होली स्कूल से आपने टेंथ किया था और होली क्रॉस स्कूल से आपने न्यू दिल्ली से होली क्रॉस स्कूल है न्यू दिल्ली में, आप न्यू दिल्ली से आपने टेंथ किया था, वहीं से आपने ट्वेल्थ किया और आज आपका दोस्तों स्कोर आया है 655 नंबर। इसके बाद विष्णु सीगढ़, ये हमारा लाडला बेटा है बीकानेर ब्रांच का, फिर सीकर आ गया था ये। ओम प्रकाश सीगढ़ आपके पिताजी हैं जो ड्राइवर है पुलिस में। आज ही मेरे मित्र का फोन आया था जो बीकानेर एसपी हैं, मेरे पारिवारिक व्यक्ति हैं, मेरे मित्र हैं, हमारे भाई प्रहलाजी कृष्णिया, उनका भाई श्रवण बधाई हो, मेरे ड्राइवर के बेटे की बहुत अच्छी रैंक आई है। आपके फादर पहले एसपी साहब थे हमारे जैसलमेर में, सुहाई सिंह जी, उनका गाँव है भानिना, तो सुहाई सिंह जी के ड्राइवर थे ये। तो सुहाई सिंह का यार आपको सीकर चलना है एक दिन, श्रवण से मिलना है, बोले साहब मेरा बेटा वहीं पढ़ता है। तो सुहाई सिंह का यार बड़ा, श्रवण जी आपके बच्चे ऐसे लोगों बच्चे आप पढ़ा रहे हो, सुहाई सिंह जी साहब आजकल प्रमोट हो गए आईपीएस से, आप सीनियर स्केल में आ गए। सुहाई सिंह साहब पहले बीकानेर एसपी रहे हैं और भानिना गांव आपका जैसलमेर में है, वहां के करीब 7-8 बच्चे डॉक्टर, उस गांव का रमेश चाकड़, आज भी याद है मेरे को, रमेश चाकड़ पोकरण तहसील का भानिना गांव है जिसका पहला डॉक्टर सीएलसी ने दिया था। अरे ऐसे ये सीएलसी जैसलमेर जिले का पोकरण तहसील का एक गांव जहां का पहला डॉक्टर की परंपरा सीएलसी, आज वहां कम 7-8 डॉक्टर है। तो विष्णु सीगढ़, ओम प्रकाश सीगढ़ जी है, मनोज नानू जी आपके मदर का नाम है, आप बीकानेर रहने वाले हैं। आपने विकास आदर्श मॉडल जो हमारा खुद का अपना स्कूल था बीकानेर में, वैसे आपने ग्यारह बारी फाउंडेशन किया था, उसके बाद आप टारगेट में यहाँ आए थे। आपके पिताजी बीकानेर एसपी के ड्राइवर हैं, ये हमारे विष्णु सीकर है। अनुश्री सोनी, ये मेरी लाडली छोरी, बिल्कुल हमारी बहुत एक लाडली बेटी है, हमारी जोधपुर ब्रांच की बेटी है बिल्कुल, और लास्ट ईयर फ्रेशर थे, फ्रेशर है, लास्ट आपने ट्वेल्थ किया था अपने स्कूल से, ट्वेल्थ किया था रेडो स्कूल से। आपके पिताजी का नाम झूमरवल जी सोनी है, आपने टेंथ और ट्वेल्थ अपने स्कूल से किया, रत्नाड़ा आप रहने वाले हैं और दोस्तों आपके नंबर है 655। अब हमारा राम प्रकाश जाट, बक्शीराम जी जाट, विमला देवी आप किसान हैं दोस्तों, किशनगढ़ रेनवाल के आप रहने वाले हैं, गौरव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेनवाल से टेंथ किया और निशा फाउंडेशन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेनवाल से आपने ट्वेल्थ किया। ये दोस्तों वो बच्चे हैं, इसमें कुछ बच्चे शायद हो सकता है आज रिजल्ट थोड़ा सा हम लोग जल्दीबाजी देख रहे हैं क्योंकि कल मेरे घर में फंक्शन है, आप समझ सकते हो मेरे बेटे की सगाई है कल, तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी था, ये सुनील की मेहनत थी इसलिए मैं पूरा इसको कर गया। जयप्रकाश झाजरा साहब सीकर एडीएम है, आपने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, कॉन्ग्रेस सर फॉर सुपर रिजल्ट, वी कैन सी दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रैंक, इट्स ए ग्रेट टू सी सच ए बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस, रिमार्केबल अचीवमेंट्स। झाड़ा साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस तरह कमेंट्स आते हैं, आप उम्र में हमसे छोटे हैं लेकिन आप बड़े पद पे हैं, इसलिए आप नो डाउट हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं। तो ये दोस्तों रिजल्ट था और 650 मेरे लोगों ने इसको लाइव कंटिन्यू देखा थे परिवार है। अब थोड़ा सा बात करते परिवार की करूं, ये रिजल्ट था, हमने बात की दोस्तों 3000 में। अब इसको देखो बताओ ट्वेल्थ कितने बच्चे इसको कोर्स वाइज करते, अब देखो पूरा दिखाऊँ आपको मैं, अब देखो मैं इसका करता हूँ एनालिसिस, अब इसको आप कोर्स वाइज करें तो एक मिनट लगेगा भाई, ठीक है ना, थोड़ी देर मेरे साथ अपने भाई नीचे आ जाओ दोस्तों, इसमें ट्वेल्थ के दो कितने बच्चे नीचे आ जाओ बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चा दोस्तों ट्वेल्थ का, इसमें आप देखें 7 बच्चा इसमें ट्वेल्थ क्लास का है, मोहित आर्य ट्वेल्थ से, पार्स बंसल ट्वेल्थ से, आदित्य ट्वेल्थ से, अमित शर्मा ट्वेल्थ से, हरिओम ट्वेल्थ से, हेमंत ट्वेल्थ से और तन्मय चौधरी ट्वेल्थ से, जिनमें दो बच्चे अमित और दो हमारे बी बिल्डिंग हॉस्टल के, ठीक है। 2019 में कितने बच्चों ने ट्वेल्थ किया, ईयर वाइज करना एक मिनट, ईयर वाइज कमांड देना, यानी फ्रेशर कितने बच्चे हैं, ये क्वालिटी रिजल्ट की भाई, ऐसे नहीं जीव नहीं लाता, आ जाओ भैया आ जाओ डियर, 2019 ईयर वाइज कर दिया भैया आपने, आ जाओ बेटा लार्जेस्ट समर्स कर दे, बिल्कुल आ जा नीचे आ जा, 19 पे आ जा फटाफट, 19 को पकड़, हाँ पकड़ ऊपर ले, गिन के बता कितने हैं, 11। देखो दोस्तों टोटल 41 बच्चे हैं जो अभी मेरे पास रिपोर्ट है, और भी कोई मेरा बेटा लाइव देख रहा हो जो आपका नाम नहीं है तो इन्फॉर्म करें भैया, 41 बच्चे हमारे पहले 3000 में साहब, जिनमें दो बच्चा हमारे कोटा टेस्ट सीरीज का, बाकी सारे बच्चे हमारी क्लासरूम के हैं, क्लासरूम सीकरी है, सीधी सी बात ये दोस्तों, उनमें 7 बच्चा 12वीं के साथ है और 11 बच्चा फ्रेशर है, तो 11-7 कितने हो गए 18, 50% बच्चा भैया हमारा फ्रेशर या 12वीं के साथ है। इनमें कितना बच्चा हॉस्टल का दिखाना एक मिनट, हॉस्टल को अल्फाबेट करो आप, देखो
किस हॉस्टल से कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ, देखो आ जाओ। देखो भैया दो बेटियां मेरी, बालाजी हमारा गर्ल्स हॉस्टल होता है, दो बेटियां मेरे बालाजी हॉस्टल से ऊपर ले, कितने बच्चे बी बिल्डिंग से हैं, देखो बी बिल्डिंग से बताओ, सात बच्चे अकेले बी बिल्डिंग से हैं। आप सोचो क्या माहौल रहता होगा, एक बहुत बड़ा हॉस्टल बी बिल्डिंग मेरा, कोई और अन्य मार्जिन केस रिपीट केस के बच्चे दोस्तों के इधर, आप जुड़े संस्था से, केवल फीस का सेव नहीं है, अच्छा हॉस्टल देंगे, आप सोचो गार्जियन से 3000 रैंक की बात कर रहा हूं, और बाकी तो पूरी बात कैसे कर पाता मैं, 3000 की रैंक तक दो बेटियां हैं बालाजी हॉस्टल से, सात बेटे हैं बी बिल्डिंग से, नीचे आओ जीण माता फर्स्ट से कितनी बच्ची है, चार, नाजिम कितनी बच्ची है, दो, तो ये तीनों गर्ल्स हॉस्टल है, तो दो बेटी नाजी हॉस्टल की, चार बच्ची जीण माता हॉस्टल की, और दो बच्ची बालाजी हॉस्टल की, ये हमारे हॉस्टल से होगी, फिर प्रताप हॉस्टल, तेजा हॉस्टल और दो तेजा हॉस्टल, कुल कितने बच्चे हॉस्टल से बताना, 18 बच्चे, यानी 41 में 18 बच्चे, यानी 50% बच्चा हॉस्टल से, ये है क्वालिटी। अब बताओ अब इनका जवाब, अब आपको जी कोटा जाना है तो किसी की मम्मी साथ जा रही है, किसी की दादी साथ जा रही है, किसी के दादा साथ जा रहे हैं, पूरा घर श्रवण बैठाना, और आप देखे दोस्तों इनमें से 50% स्टूडेंट ऐसा है जिसका केवीएम फाउंडेशन से, बिल्कुल सारे देना एक मिनट, हम वो लिस्ट बढ़ा के लेके नहीं आए, मैं तुरंत प्रभाव से लो निकाल देता हूं, कितना बच्चा हमारे फाउंडेशन से है, मोहितारी हमारा फाउंडेशन का एक, ज्योति फाउंडेशन से दो, पार्स फाउंडेशन तीन, अभिषेक बुगालिया फाउंडेशन से, शिवपाल राठौड़ फाउंडेशन से, श्रुति फाउंडेशन से नहीं है, ओम प्रकाश फाउंडेशन से, जयंत फाउंडेशन से, शालिनी हमारे फाउंडेशन से नहीं है, आदित्य पालीवाल फाउंडेशन से, निखिल यादव बाहर से आया हुआ है, सुमैया बाहर से आई हुई है, और अन्नू अग्रवाल बाहर से आई हुई है दोस्तों, अमित शर्मा फाउंडेशन से, उत्साह बाहर से पढ़ के आई हुई है, नंदनी बाहर से पढ़ के आई हुई है, महिमा बाहर से पढ़ के आई हुई है, हरिओम फाउंडेशन से है, पूर्वेश ये बाहर से, कृष्णा चोमू का बच्चा है, शुभम साहू ये बाहर से पढ़ के आया हुआ है, प्रज्ञा यादव बाहर से पढ़ के आई हुई है, विकास राठ अपने फाउंडेशन से, परमिंद छिंपा अपने फाउंडेशन से, मनीष चौधरी अपने फाउंडेशन से, नीरज शर्मा ये बाहर से पढ़ के आया हुआ है, हेमंत कुमार अपने फाउंडेशन से, तन्मय चौधरी अपने फाउंडेशन से, कमल चारण अपने फाउंडेशन से, ये बच्चा बाहर से पढ़ के आया हुआ है, रमेश चंद्र कुमावत ये बाहर से पढ़ के आया हुआ है, ये रमेश स्कूल पढ़ के आया हुआ है, अमन रूडना अपने फाउंडेशन से, प्रेरणा दोस्तों बाहर से पढ़ के आई हुई है दोस्तों, आपका ये प्रियांशी सेनी अपने फाउंडेशन से, तनुजा बेटी बाहर से पढ़ के आई हुई है, उत्तम अपने फाउंडेशन से, रितु बाहर से पढ़ के आई हुई है, समुद्र बच्चा बाहर से पढ़ के आया हुआ है, विष्णु अपने फाउंडेशन से, अनुश्री अपने फाउंडेशन से, और रामप्रकाश जाट अपने फाउंडेशन से, गिनाऊं, गिनो लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस, इकतालीस में से 22 लड़के हुए हैं जो मेरे पास 10th पास करके आए हुए हैं, ये रिजल्ट है साहब, 22 लड़के हुए हैं जो 10th पास करके मेरे पास आए थे, जिनको 12th के साथ या 12th के बाद हमने दोस्तों अच्छी रैंक, सिलेक्शन की बात नहीं चल रही यहां, 3000 रैंक दी है। ओके डियर, तो अब लाइव को अपन समाप्ति को लेके जाएंगे दोस्तों, कल मैं लाइव नहीं आऊंगा, मेरे बेटे साहिल की सगाई का प्रोग्राम है, मेरी स्पीडी का मेरे लिए, एज ए पिता आज तक फादर की पीढ़ी के, मतलब फादर के रूप में ही, अब पिता दादा के रूप में होंगे, मैं पिता के रूप में, वहाँ एक रिश्ता हम लोग, कल बेटे की सगाई है, 19 को लाइव आऊँगा, मैं बात करूँगा फिर 3000 से लेके 4500 की रैंक तक, नोट कर ले भाई, 3000 से 4500 की रैंक तक, तो जो भी मेरा सीएलसी का बच्चा भी 3 से 4500 की रैंक तक, वो अपना रिजल्ट तुरंत प्रभाव से एक व्हाट्सएप आपके पास आया हुआ है, उस फॉर्मेट को पूरा करके उसमें भेज दें भैया, और 20 तारीख को दोस्तों दोपहर ठीक 12 बजे पूरी बात की जाएगी, वो 2.5-3 घंटे का लाइव चलेगा, और 180 वर्सेस 180, और 24 को भजन गाएंगे भैया, 24 अक्टूबर को शाम को भजन संध्या, अपने सबको रहना भजन संध्या में, मजा आया बात का, ये सीएलसी है साहब, माफी चाहूँ थोड़ा जोश में हो सकता है, कुछ भावुकता में कुछ गलत बाल बोल गया हो तो उसके क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब बच्चे अच्छा करते हैं तो आदमी टीचर हूँ भावुक हो जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल इस कोरोना काल में मेरे बच्चों को मेरी टीम को जिन्होंने साथ दिया सिस्टम का, बच्चों ने टीम ने कोरोना काल में बहुत, तो दोस्तों 20 मार्च तक सभी कोचिंग एक जैसा पढ़ाया था, पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने जो काम सीएलसी की टीम ने किया वो औरों से अलग था, इसीलिए आज सीएलसी का रिजल्ट
काफ़ी अच्छा है। 41 बच्चे पहले 3000 में, 2-4 बच्चे और मिल जाएंगे आज तो जल्दीबाजी में, क्यों मैं पूरे दिन घर पे था, बस सुनील सर्वाग्राम बनाया था तो ये लड़के, मेरे तो इच्छा थी लाइव आने की थी, नहीं से बताऊँ बात, पर सुनील ने कहा नहीं बोस आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, फिर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई बीच में, फिर राज ने कहा नहीं, बाबा को लगा नहीं इससे हमारे श्रवण की इमेज थोड़ी हो सकता है कुशल मार्ग लग जाए, तो लाइव चालू कराया उन्होंने, लाइव आपके सामने है और बाकायदा आप सब लोग लाइव को देख भी रहे हैं। आप देखो 41 बच्चा है ना, एक आशीष कोरोना पीरियड का बच्चा है, 2 बच्चे टीएस के हैं, 38 बच्चा हमारी प्योर क्लासरूम का है, उन 38 में से डियर 21 बच्चा हॉस्टल का है, 21 बच्चा फाउंडेशन से, 18 बच्चा हॉस्टल से, 7 बच्चा 12th के साथ, ये क्वालिटी है साहब। और हॉस्टल में रह के किसी बच्चे को तैयार करना आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात होती है यार। जो गार्जियन अपने बच्चों की केयर करते हैं, घर पे रहते हैं, कहीं तो ट्यूशन लगा लेते हैं दूसरी साइड में, आप सोचो गार्जियन कितनी, जो थोड़े से भी अपना, और इनमें से आधे बच्चे हुए जो किसान परिवार से हैं, बच्चा जैसलमेर का भी, बच्चे कहां कहां से, देखो हर जगह बच्चा, देखो आप हर जगह से बच्चा है, झुंझुनू का बच्चा भी, जयपुर सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अलवर महेंद्रगढ़, सीकर, जोधपुर, ऊपर में बेटा जैसलमेर, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर, जोधपुर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, जोधपुर, विदिशा, महेंद्रगढ़, जयपुर सिरसा, अलवर, सीकर, अलवर, भिवानी, सुल्तानपुर, खेतलोर, जयपुर। सबसे ज्यादा जो स्टप सीएलसी को मिलता है वो मिलता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, अलवर डिस्ट्रिक्ट का, शेखावाटी के लोगों से थोड़ी सी अपील करता हूँ, बिल्कुल स्वीकारते हुए शेखावाटी के लोग, आज भी मैं इस बात को मानता हूँ कि झुंझुनू का कुछ बच्चा हमारे पास कम आता है, क्योंकि वो कई बार क्या है, हमने शुरू में कोचिंग स्टार्ट किया था, हो सकता कुछ साथी वही संस्था की सोच लिए घूमते हैं, कई तो ये कहते हैं कि आज के 15 साल पहले मेरे यहाँ से कुछ टीचर गए थे, कई तो अब भी कहते हैं श्रवण जो टीचर तो आपके चले गए, तेरे 15 साल हो गए बोले आदमी, नए बच्चे पैदा होके 10th में आ गए यार, उनका तो मेरे पास क्या जवाब है, आज भी कह देते हैं 15 साल में नया बच्चा पैदा होके 10th में आ गया माली फाउंडेशन में, इसलिए आप सीएलसी पे ट्रस्ट करेंगे तो रिजल्ट सीएलसी का भी आएगा। और मैं कहता हूं शेखावाटी का, आज बहुत गहरी बात कर रहा हूं, शेखावाटी का रिजल्ट यदि सीएलसी पे ज्यादा ट्रस्ट आपका होगा तो ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत, माफी चाहता हूं, जैसे मेरे का बच्चा दे जाएगा, मेरे को तो मेरा पोखरण का बच्चा दे जाएगा, मेरे तो बिहड़ा का बच्चा दे जाएगा। लेकिन आप जो स्टूडेंट इस लाइव को देख रहे हैं, जब भी सुने, आपकी स्कूल के पिछले 4-5 साल में कितना बच्चा सीकर के संस्थाओं में गया और वहां से वो कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, 50 बच्चे गए, 1 सेलेक्ट हुआ मतलब क्या निकला, और कितना बच्चा सीएलसी में आया उसका क्या रिजल्ट है। और हॉस्टल्स की केयर तो सीएलसी के अलावा कहीं है ही नहीं, और आप सीकर लोकल कोचिंग विज्ञापन देखोगे तो उनके पास सीकर, चूरू, झुंझुनू के बच्चों के फोटो के अलावा कहीं को फोटो नहीं, दूसरी फोटो नहीं होती है, जिनमें 80% रोल उनके पेरेंट्स का होता है, वो पेरेंट्स ने मेरे साथ जुड़ के यदि काम करें तो हम 111 कर देंगे, और माफी चाहता हूं बात हो सकता थोड़ी से एवरेज लगे, लेकिन मुझे कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है डियर। हमारे शेखावट लोग कई बार का जो नया कोचिंग कूदा उसी पे ज्यादा, फिर मेरे से कुछ लोग गल हुए, फिर कोई एक आईटी कोचिंग वहां कूदे तो हमारे उन साथियों की आईटी बंद हो गई, फिर कोई बाहर की कोचिंग आई तो वहां कूद गए, ऐसे मत कूदो भाई, सीएलसी में रहो, टॉप तो सीएलसी कर रही है ना, देखो 20 के दोनों टॉपर मेडिकल के सीएलसी के, 19 के टॉपर सीएलसी के, 17 के टॉपर सीएलसी के, 16 का टॉपर सीएलसी, पिछले 5 साल में 4 बार नीट को टॉप सीएलसी ने कराया है सीकर में, राजन चौधरी से याद करना शुरू कर लो, राजन चौधरी ने किया, भरत जांगिड़ ने किया, लास्ट हमारे जगदीश ने किया, आज हमारे मोहित ने कर दिया, और तो क्या क्या चाहते हो, ठीक है। तो ये सब अच्छी बातें थी, तो मजा आ गया। अब दोस्तों कल 18, अब बात समराइज कर रहा हूं भाई, 18 को लाइव नहीं आएंगे, 19 को अगले 1500 रैंक, 3000 से लेके 4500 रैंक तक बच्चों से बात की, ऐसे पूरी बात करेंगे, और सुनील सर आज जो जो चीजें मैंने बोली उस सबकी लिस्ट अपन और बना के लेके आएंगे, और 20 तारीख को हम लोग दोपहर 12 बजे 2.5-3 घंटे के बड़ा लाइव करेंगे, और 24 तारीख को दोस्तों जागरण करेंगे, 24 तारीख का दिखाओ स्लाइड, 24 को अष्टमी है माता की, भजन गाएंगे, मस्ती करेंगे, आप जानते हो आप वो सारे काम करता है, क्लास भी लेता है, टीचर भी कर, टीचिंग भी करता है, मेंटरिंग करता है, ये हमारी माँ की जगराती होगी उस दिन, ठीक है जी। और सुनो रिपीटर, 180 वीडियो बना के दे रहा हूं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के, 90 बायोलॉजी के, नीट के बच्चों को 180 क्वेश्चन वर्सेस 180 वीडियो,
फ्री कॉस्ट, जिन सबका हम लोग 20 तारीख को लाइव में आपको शेड्यूल दे देंगे और 24 तारीख को पहला वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बात खत्म करें, ओके डियर। और किसी मेरे बच्चे का, किसी भी मेरे बच्चे का नाम रह गया हो पहले 3000 में तो इन्फॉर्म कर दें मेरे को, लाइव खत्म होते भाई, ताकि आपको कल परसों के लाइव में छूटे हुए बच्चों को बताया जा सके। और 3100 से लेके 3000 से लेके 4500 के बच्चों को हम लोग, विनोद इंदौरिया, अरे विनोद इंदौरिया मेरा लाइव देख रहे हैं, क्या बात है यार, साहिल की सगाई की ढेर से बधाई। विनोद इंदौरिया मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे छोटे भाई हैं, रतनगढ़ के हैं, आप राजस्थान पत्रिका गंगानगर सेंटर के हेड हैं आप, चलो थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है। मनमु जी सर जी 20 तारीख के टाइम बढ़ाने की कोशिश करें, टाइम बदलने की कोशिश, टाइम तो नहीं बदल सकते भाई, टाइम तो ये रहेगा। अच्छा उस दिन वर्किंग डे है क्या, वर्किंग डे उस दिन ऐसा है तो चेक सोचते हैं, अभी तो ये है भैया। सर प्लीज़ साहिल सर की एंगेजमेंट हमें भी देखनी है। अच्छा ये कहाँ समझ है, सीएलसी चैट में कर दो सब, ओके पत करे बात को। हमारे सगाई के दो, मैं सगाई वाला बता दूँ, सगाई हमारे कैसे होती है, सगाई कहाँ की, लो मैं इसको डिस्क्लोज भी आज कर देता हूँ लाइव में। स्नेहा हमारी बेटी थी जो सीएलसी में 11-12 पढ़ी, यहीं उसने फाउंडेशन किया, 12th के साथ सेलेक्ट हुई, जोधपुर से MBBS कंप्लीट की है। आपके फादर सुभाष जी हमारे भाई जी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, हमारे स्नेहा की मम्मी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप सीकर रहते हैं, आपके दादाजी स्नेहा के एक बड़ा नाम है विद्याधर सिंह गिल, आप झुंझुनू रहते हैं, अभी आप लेटेस्ट गांव में सरपंच जीते हैं और झुंझुनू में आपकी बड़ी पहच है, पहचान है, एक बड़ी शिक्षण नेता है, बेसिकली आप कॉमरेड सोच, जिसको मार्क्सवादी सोच को कहते हैं, कॉमरेड कहते सब, कॉमरेड साहब कहते हैं उनको सब, उसी सोच पर आप काम करते हैं और झुंझुनू आप रहते हैं, एक अच्छा सा बहुत ही सुलझा परिवार था, ईश्वर का योग संयोग था। तो हमने 3 साल पहले बेटे की सगाई कर दी थी, बहुत बड़ी बात है कि हमारे बेटे ने, मेरे बेटे ने मुझे लाइव करते बहुत अच्छा लगा, मेरे बेटे ने मेरी बात को माना। 1 साल बाद तो उसको मिला था उस मेरी बहू स्नेहा से, हमारी बहू से वो, और कल वो लोग 18 तारीख को हमारे यहाँ भोजन करने आएंगे, सिस्टम होता हमारे 21 तारीख को हम लोग जाएंगे, उनका गाँव है गुढ़ागुड़ जी के पास, गिलों की ढाणी, ढाणी बोलते हैं उनको, वहाँ हम लोग जाएंगे। बट कोरोना के कारण लिमिटेड लोग हैं, सारे दोस्तों लेके नहीं जा पाऊंगा, किसी लेके नहीं जा पाऊंगा, कुछ 50 लोगों की परमिशन भी होती नहीं, उसमें 20-30 घर के लोग जाएंगे, उसमें वहाँ रिंग सेरेमनी होगी। और 15 मार्च की शादी है, जब तक लॉकडाउन खुल जाएगा तब से बुलाएंगे, 15 मार्च को साहिल सर की शादी है, राजी खुश तो ओके थैंक यू। इसी के साथ आज का लाइव पूरा करते हैं, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय जय सीएलसी, जय सीएलसी।